हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज अपना है लेक्चर नंबर 16th। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लेंस से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, लेकिन प्रतिबिंब बनाना सीखने से पहले कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, जिससे कि हम ये देख पाएंगे कि किस स्थिति में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब किस स्थिति में बनेगा और कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाना सीखने से पहले बच्चों, अब हम पहले पढ़ेंगे कि पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, दैट इज लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। By a thin lens, लेंस पतला होना चाहिए बच्चों। उस स्थिति में जब लेंस पतला होगा तो किरण किस तरीके से अपवर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, ये हम भिन्न भिन्न नियम देखेंगे। देखो बच्चों, किसी लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत सारी असंख्य किरणें चलती हैं और वो एक निश्चित बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनाती हैं, वहाँ पर मिलती हैं। लेकिन उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की जानकारी होनी चाहिए कि ये किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेंगी। जिससे कम से कम 2 किरणों के बारे में जानकारी होगी तो हम उस प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगा लेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल 2 किरणें ही प्रतिबिंब बना देती हैं, वो हम दिखाते हैं, लेकिन लेंस के भिन्न भिन्न हिस्सों से बहुत सारी किरणें चलती हैं, असंख्य किरणें, ठीक है। लेकिन हमें केवल 2 किरणों का रास्ता पता हो तो हमें ये पता लग जाएगा कि लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस स्थिति में बनाएगा। तो देखें, पहला नियम ये है बच्चों, चित्र से समझते चलें। आपको ये नियम बुक में लिखे मिल जाएंगे तो नोट आप वहाँ से कर लेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जैसे मैंने ये बनाया बच्चों पतला उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। किरण हम कैसे ला रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ला रहे हैं। तो ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बच्चों मिलेंगी फोकस पर, द्वितीय फोकस पर मिल जाएंगी, किसमें, उत्तल लेंस में। तो इन किरणों का हमें रास्ता पता लग गया, F2 पर मिलेंगी, ठीक है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती हैं, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, अथवा यही नियम अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा वो समझना है बच्चों। अवतल लेंस की स्थिति देखते हैं। ये मैंने बनाया एक अवतल लेंस, तो ये किरणें इतना मुड़ेंगी कि ये द्वितीय फोकस से, देखें अवतल लेंस का द्वितीय फोकस इधर होता है कि द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, कितना मुड़ जाएंगी बच्चों। देखो फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा लेंस और बड़ा कर लूँ मैं, नहीं इस सीध में ये इतना फैलेगी यहाँ से कि ऐसी सीधी चलती हुई नजर आएगी बच्चों, ठीक है। तो देखें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस के लिए द्वितीय फोकस पर मिलती हैं और अवतल लेंस के लिए द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, इतना मुड़ेंगी। तो इनका रास्ता भी हमें पता लग गया और इनका रास्ता भी, उत्तल लेंस के केस में भी और अवतल लेंस के केस में भी। ये रहा अपना पहला नियम, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। दूसरा, प्रथम फोकस से आने वाली किरणें, इसे उत्तल लेंस के लिए ही बनाता हूं बच्चों, जैसे यहां क्या होगा, प्रथम फोकस होगा बच्चों, मुख्य अक्ष दोबारा बनाते हैं, दोबारा ही बनाता हूं बच्चों, देखें ये उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष,
ये इसका प्रथम फोकस इस साइड में होता है उत्तल लेंस का, तो यहाँ से चलने वाली किरणें, प्रथम फोकस से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, यहाँ बच्चों बीच में लाइन खींच लिया करें, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ये किस में रहा? उत्तल लेंस के केस में। अब अवतल लेंस के केस में देखें, यहाँ मैं अवतल लेंस बनाता हूँ बच्चों, इसका प्रथम फोकस बच्चों इधर होता है F1। तो इसमें क्या कहेंगे अवतल लेंस के केस में कि प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरणें, जैसे ये इस सीध में आती, इसको सीध बनाऊं, अगर किरण ये है फोकस, यहाँ हटा देते हैं, प्रथम फोकस की ओर आपतित होने वाली किरणें, ठीक है बच्चों, अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद ये भी कैसी हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी इस तरीके से। इसमें भी समांतर हो गई प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, और इसमें भी प्रथम फोकस से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। दोनों में नियम एक से ही हैं। तीसरा नियम, अगर किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जैसे ये उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र यहाँ होगा बच्चों, अगर यहाँ से कोई किरण जा रही है तो उसे सीधा निकाल देंगे, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए भी। अगर कोई किरण आप प्रकाशिक केंद्र से ला रहे हैं तो उसमें बिना विचलन के उसको सीधा निकाल देंगे, तो सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए। तो बच्चों ये नियम आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं नियमों को लगाकर हम केवल दो किरणों की सहायता से ही प्रतिबिंब की स्थिति देख सकते हैं। तो इनको नोट करिए, फिर चलेंगे पतले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, तो बच्चों अब सबसे पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाना सीखेंगे। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दैट इज इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखें भिन्न भिन्न स्थितियों में रखेंगे वस्तु को और प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ कहाँ बनता है। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु कहाँ पर है बच्चों, अनंत पर है, ठीक है। तो देखें ये हमने उत्तल लेंस बनाया, ये इसकी मुख्य अक्ष बनाई, और यहाँ बीच में एक हल्की सी लाइन खींच लेते हैं, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हुआ बच्चों। तो वस्तु अनंत पर है बच्चों, बहुत दूर है इन्फिनिटी पर और बहुत बड़ी है, ठीक है, डॉट डॉट कर दिया मैंने, वस्तु यहाँ है। तो अनंत से आने वाली किरणें बच्चों समांतर होती हैं। तो एक किरण में ले आता हूँ बच्चों प्रकाशिक केंद्र से, सीधी निकाल दी, ठीक, और अनंत से आ रही हैं इसीलिए एक दूसरी इसके समांतर। तो बच्चों ध्यान रखेंगे परस्पर समांतर आने वाली किरणें, ये भी एक नियम है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी बना के दिखाऊंगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये द्वितीय फोकस पर मिलती हैं बच्चों, जो द्वितीय फोकस तल होगा F2, तल कौन सा होगा बच्चों, F2 से खींचा गया लंबवत तल, उस तल पर किसी भी बिंदु पर मिल सकती हैं, लेकिन मिलेंगी उस फोकस तल में ही, तो यहाँ मिलेंगी यहीं आकर के। तो बच्चों इस तरीके से इस फोकस पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर लेंस के दूसरी ओर, और ये इसका सी है मिडिल पॉइंट। तो प्रतिबिंब यानी इमेज जो बनी बच्चों, प्रतिबिंब यानी इमेज कैसी हुई, वस्तु से बहुत छोटी और कहाँ, F2 पर, लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर
द्वितीय फोकस पर, मैं शॉर्ट में लिख दूं एफ टू पर, कहाँ बनी द्वितीय फोकस पर, जिसको मैंने एफ टू लिख दिया। और कैसी वस्तु से छोटी, वस्तु से बहुत छोटी तथा छोटी उल्टी एवं वास्तविक, किरणें वास्तव में काटी हैं यहाँ पर और उल्टा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक होगा उल्टी एवं वास्तविक। ठीक है बच्चों, देखो इसको मैं ऐसे भी बना सकता था कि जैसे ये उत्तल लेंस है बच्चों, अनंत से आने वाली किरणें हम परस्पर समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं तो भी F2 पर मिलेंगी, अभी नियम भी बताया था। तो बहुत छोटी सी इमेज बनी यहाँ पर, ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ किरणें समांतर थी लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं थी, यहाँ आपस में समांतर हैं और मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं, तब भी कहाँ मिलेंगी F2 पर, यानी बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों ये देखूँ ये स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो। तो अनंत पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो किरणें फोकस पर मिल रही हैं, तो ये कंडीशन रही हमारी कब, जब वस्तु अनंत पर है। अब बच्चों हम थोड़ा अनंत से पास आते जा रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं दूसरी स्थिति में जब वस्तु, ठीक है बच्चों एक सेकंड, जब वस्तु 2F1 से परे है, फोकस दूरी के दो गुने से 2F1 से परे है, यानी बियॉन्ड 2F1, कहाँ है बियॉन्ड 2F1, इससे दूर है। कैसे मैं यहाँ बनाता हूँ बच्चों, जैसे देखें ये बनाया मैंने एक पतला सा उत्तल लेंस, समझते चलना ध्यान से, ये इसकी मुख्य अक्ष। अब बच्चों मैं पैमाने से नहीं बना रहा हूँ इसलिए सुंदर चित्र नहीं बन पा रहे होंगे, लेकिन आप लोग पैमाने का सहारा लेंगे। तो देखें ये है F1 और इसका दूना इस दूरी का 2F1 और वस्तु मैंने 2F1 से बाहर यहाँ रख दी, 2F1 से बाहर, ठीक है ये वस्तु है बच्चों, दिख रही होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंस छोटा सा पड़ गया, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ बच्चों, ठीक। इधर क्या होगा बच्चों, इतनी ही दूरी पर F2, ये पैमाने से नाप के आप लिखेंगे यहाँ तो सही स्थितियाँ आपको मिल जाएंगी। तो देखें इससे एक किरण मैं लाता हूँ मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरण बच्चों कहाँ से आएगी F2 से, ऐसे ही तो जाएगी, समझ रहे हैं। और एक किरण आप कहाँ से ले जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से, तो देखें यहाँ काट गई ये किरणें कहाँ F2 और 2F2 के बीच में, यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ बन गया, तो देख रहे हैं इससे छोटा बना है और F2 और 2F2 के बीच में, तो इमेज जो बनी बच्चों आप क्या लिखेंगे, तो प्रतिबिंब मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ, तो इमेज जो बनी वो F2 व 2F2 के बीच बनेगी, इन्वर्टेड है उल्टी है, उल्टी एवं वास्तविक, अगर प्रतिबिंब लिखेंगे तो उल्टा एवं वास्तविक लिखेंगे, अभी मैं इमेज कह रहा हूँ ना तो उल्टी लिख दी है, उल्टी एवं वास्तविक, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा और वास्तविक होगा, F2 और 2F2 के बीच होगा और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, ये दो कंडीशंस हो गई बच्चों, वस्तु से छोटा। अब हम वस्तु को इधर खिसकाते ला रहे हैं, देखें पहले अनंत पर रखी फिर 2F2 से परे रख दी, अब 2F2 पर रखते हैं तो क्या होता है उसको समझते हैं। तो इसे मैं हटा देता हूं बच्चों, यहीं बना के चलते हैं नंबर तीन, उसको बना रहने देते हैं, इससे स्थिति हमें दोनों को कंपेयर करने में आसानी रहेगी। ओ बच्चों स्क्रीनशॉट आप शायद नहीं ले पाए, अब ले लें इसका तो समझ में आ ही जाएगा। तीसरा पॉइंट चल रहे हैं, जब
अब वस्तु कहाँ है, जब वस्तु 2F1 पर है, तो देखें ये हम बना रहे हैं उत्तल लेंस। ठीक बच्चों, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये मैंने बनाया F1 और ये बनाया F2 2F1, और इधर इतनी ही दूरी पर बच्चों, ये दूरियां बराबर होंगी सब पैमाने से नाप के बनाना, ये F2 और ये 2F2 F2 और 2F2 2F1 पर मैं एक वस्तु रख देता हूँ बच्चों, ये एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले गया, ये कहाँ से आएगी बच्चों, फोकस से, इतना आप जानते हैं। ठीक है, इसको मैं कहाँ से ले जाऊँ, फोकस से। ठीक, और एक किरण मैं ले जाता हूँ प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है बच्चों, सीधी निकल जाएगी, तो ये 2F2 पर ही जाके काटेगी बच्चों, जो हमने 2F2 है वहीं पर काटेगी। तो आप जब पैमाने से इसको बनाएंगे, ये F2 है बच्चों, ठीक है, F2 पर ही, और जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा, यानी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो देखें केवल दो किरणों से हम प्रतिबिंब की स्थिति पता कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो इमेज बनी, इसका अर्थ ये नहीं है, मैं जो बताना चाह रहा था कि ये दो किरणें ही चलेंगी और प्रतिबिंब बनेगा, बहुत सारी किरणें जा रही होंगी, कोई भी किरण ले जाइए यहीं काटेंगे, सब इसी बिंदु पर मिलेंगी, कहीं से भी गुजारिए, यहाँ से लाएंगे F1 से, वो भी यहीं आएगी, समझ रहे हैं, जैसे मैं F1 की सीध से कोई किरण ले आऊँ तो वो कहाँ से आएगी, वो भी यहीं से आएगी। बात समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो कहने का अर्थ ये, दो किरणों से हम वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसकी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, न कि केवल दो किरणों से ही प्रतिबिंब बनता है। जैसे मैं एक बात बताना चाह रहा था, हल्के से बना देता हूँ, कि अगर मैं किरण एक इससे लाता तो ये किरण भी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, तो ये भी कहाँ काटती, यहीं पर काटती बच्चों। ठीक है, ये हल्के से बना दी मैंने, कितनी भी कहीं से किरण ले आइए, एक यहाँ से लाइए, वो भी आप यहीं काटेंगे, सारी किरणें यहीं काटेंगी, जिससे कि प्रतिबिंब यहीं बनेगा। ठीक, तो ये बात क्लियर हुई, ये मैंने हल्के से बना के दिखा दिया आपको। तो जो प्रतिबिंब बना कैसा बना बच्चों, लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर उल्टा एवं वास्तविक, कैसा बनेगा, उल्टा एवं वास्तविक। और उल्टा एवं वास्तविक और वस्तु के बराबर ही बनेगा, ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है बच्चों। अच्छी का मतलब कि इसमें बराबर ही बना, मैग्नीफिकेशन हुआ ही नहीं, बस उल्टा और वास्तविक हो गया, वस्तु के बराबर, साइज में वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो देखें, जब हमने 2F2 से बाहर रखा था तो प्रतिबिंब छोटा बना था, और F2 और 2F2 के बीच बना था। जैसे जैसे मैं वस्तु को इधर लाता जा रहा हूँ, देखो अनंत पर रखी थी तो F2 पर बना, अनंत से पास ले आए तो F2 से आगे बढ़ गई, 2F1 पर ले आए तो बढ़ के वो 2F2 पर आ गई, मैं और पास लाऊंगा तो और दूर हटेगी, और प्रतिबिंब यहाँ छोटा बनना था, छोटे से बड़ा होकर के बराबर तक आ गए, और आगे बढ़ेंगे तो हम प्रतिबिंब हमारा और इस दिशा में विस्थापित होगा और आकार में भी बढ़ता चला जाएगा, इस चीज़ को देखिए। तो अब मैं पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लें, फिर अगले पॉइंट पर चलूँगा। अब बच्चों फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, कि जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच है, हम उधर खिसकते जा रहे हैं, तो देखें जैसे हमने ये बनाया एक उत्तल लेंस। ठीक है बच्चा लोग, और ये बना दी मुख्य अक्ष। ठीक, ये बना दिया F1, इतनी ही दूरी पर हमने बना दिया F2,
और इससे दोगुनी दूरी पर इधर 2F1 और यहाँ 2F2। देखें अब वस्तु अभी हमने 2F1 पर रखी थी तो प्रतिबिंब 2F2 पर बना था, वस्तु के बराबर ही बना था। अब इसके बीच में ले आए, अब क्या करेंगे, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे। बच्चों ये कहाँ से जाएगी, F2 से ये गई। एक किरण कहाँ से लाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से ये गई, ठीक है। ये दोनों कहाँ काट गई, 2F2 से बाहर। वो बड़ा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है बच्चों। तो जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, इमेज फॉर्म्ड कैसी बनी, 2F2 के बाहर या 2F2 से परे। आगे उल्टी एवं वास्तविक बनी इमेज, और बच्चों वस्तु से बड़ी। ठीक है, अब और पास ले आते हैं, अब कहाँ ले आते हैं, F1 पर। तो अगली कंडीशन देखें, फिफ्थ पॉइंट, जब वस्तु F1 पर है तो देखें, ये मैंने बनाया उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये F1 और इतनी ही दूरी पर मैं ले लेता हूँ F2, ये पॉइंट, ठीक है। तो अब वस्तु मैंने कहाँ रख दी बच्चों, F1 पर। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, ये कहाँ से जाएगी बच्चों, F2 से, अभी बाद में गुजारूँगा। और एक ले जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से, ये सीधी निकल जाएगी और ये यहाँ से, तो ये समांतर हो गई बच्चों। कैसी हो गई, समांतर। तो बहुत दूर जाके काटेंगी, कहाँ पर काटेंगी, इन्फिनिटी पर जाके। तो बहुत बड़ा उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, बहुत दूर काट रही हैं आगे। तो इमेज फॉर्म जो प्रतिबिंब बना कैसा होगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों, अनंत पर, उल्टा एवं वास्तविक। उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से आकार में बहुत बड़ा। ठीक, तो ये वास्तविक प्रतिबिंबों की स्थिति होगी बच्चों। अब एक लास्ट कंडीशन, अब वस्तु हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रख देते हैं। अब ये लास्ट हमारी सिचुएशन है और इसमें तो अब तक हमने देखा कि वस्तु को इधर खिसकाते ला रहे थे, प्रतिबिंब का साइज बढ़ता चला जा रहा था और प्रतिबिंब आगे की ओर खिसकता चला जा रहा था और ये मैक्सिमम लिमिट हो गई कि अब वो इन्फिनिटी पर चला गया, इससे आगे तो अब जाएगा ही नहीं प्रतिबिंब। तो अब वस्तु को और इधर बढ़ाते हैं तब कहाँ जाएगा वो देखिए। अब आभासी प्रतिबिंब मिलने जा रहा है बच्चों, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब सिक्स्थ पॉइंट पर चलेंगे कि जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र सी तथा फोकस F1 के बीच है, के बीच स्थित है या है, बात वही है, बीच स्थित है, कहाँ रखी है, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे बच्चों ये मैंने बनाया एक उत्तल लेंस, ध्यान से समझें, ये मुख्य अक्ष, ये F1,
इतनी ही दूरी पर मैंने बना दिया F2। तो देखें बच्चों, ये प्रकाशिक केंद्र C, तो मैंने यहाँ कहीं रख दी वस्तु। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ रख दी, यहाँ रख लेता हूँ कहीं भी। तो देखें, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, ये कहाँ से जाएगी बच्चों? F2 से, ठीक है। एक किरण मैं C से ले जा रहा हूँ, तो बच्चों आगे ये फैल गई, तो आगे जाके कहीं मिलेंगी नहीं। तो इनको अगर मैं पीछे बढ़ाऊँ इसी सीध में, एक इसको बढ़ाऊँ, पीछे बढ़ा लिया मैंने, आगे तो मिल नहीं रही, आगे जाके फैल रही हैं, सीध में ही पीछे ले आइए। बच्चों मैं पैमाने से नहीं बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा हो गया होगा। तो देखें, ये पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा सीधा, ठीक है, वस्तु की ओर ही बना। तो प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब बना वो कैसा है? वस्तु की ओर, सीधा तथा आभासी। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है बच्चों। तो ये स्थिति भी क्लियर हुई। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों कि उत्तल लेंस से भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न आकारों के, कभी वास्तविक कभी उल्टे। तो इन सब चीज़ों को आप एक टेबल में लिखिएगा बच्चों, होमवर्क देता हूँ मैं। इधर लिखेंगे आप, जैसे इधर लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहाँ है, और इधर इमेज, ऊपर हेडिंग डालेंगे ये वाला, इमेज फॉर्मेशन बाई या कॉनवेक्स लेंस, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। यानी इधर वस्तु की स्थिति लिखेंगे, 6 स्थितियां बताई थी, 3, 4, 5, 6। पहले में लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बना था? F2 पर, वस्तु से छोटा उल्टा तथा वास्तविक बना था। प्रतिबिंब की सिचुएशन यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2F1 से परे, तो 2F1 से परे था, तो F1 वो F2 और 2F2 के बीच बना था। जो कंडीशंस थी वो सब यहाँ एक टेबल में लिखेंगे, वस्तु से छोटा बना था, उल्टा बना था, वास्तविक बना था। तीसरे में 2F1 पर रखा था, तो 2F2 पर बना था, उल्टा बना था, वस्तु के बराबर बना था, वास्तविक बना था और 2F2 पर ही बना था। तो ये सब कंडीशंस आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। F1 और 2F1 के बीच में रख दिया था, ठीक है, तो हम कहाँ मिला था? 2F2 से परे मिला था, वस्तु से बड़ा मिला था, उल्टा मिला था, वास्तविक मिला था। और जब हम कहाँ ले आए थे? F1 पर ले आए थे, तो अनंत पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा एवं वास्तविक। फिर हम ले आए थे जो कि ये बना है, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ले आए थे, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही सीधा, वस्तु से बड़ा, आभासी। ये सब स्थितियां एक जगह लिखी होंगी, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ये टेबल आपको बच्चों घर से बना के लानी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम चलेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब हम चलते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाई अ कॉनकेव लेंस। तो पहली कंडीशन लगाते हैं बच्चों, जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है, तो देखें बच्चों, वस्तु अनंत पर है, पहले मैं एक कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस बनाता हूँ।
ये इसकी मुख्य वस्तु बहुत बड़ी है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, डॉट 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 कर दिया है मैंने यहाँ से, इन्फिनिटी पर है। ये इसका द्वितीय फोकस है बच्चों F2, ये इसका प्रथम फोकस है F1। ठीक, तो देखें एक अनंत पर जब वस्तु होगी, पहले मैं यहाँ समझाता हूँ बच्चों, ऐसे भी बना सकते हैं आप, वस्तु अनंत पर है ठीक है, और किरणें जो हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो बच्चों आपको पता है मतलब वस्तु यहाँ कहीं है ठीक है, अनंत पर है, अनंत पर रखी है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो ये किरणें इतना मुड़ेंगी कि एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी इस सीध से, जो कि इसका द्वितीय फोकस होगा, ये हमने नियम बताया था, तो इतना डाइवर्ज हो जाएंगी, तो ये कहाँ मिल रही हैं F2 पर। तो प्रतिबिंब हमारा बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, आभासी और सीधा बनेगा, क्योंकि किरणें काट नहीं रही हैं, आभास हो रहा है इनके काटने का। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ ये नहीं दिख रहा कि सीधा है कि उल्टा है, कि कितना छोटा है, छोटा तो बनेगा ही, या हम ऐसे कर लेते हैं कि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही बच्चों, कैसे आ रही हैं, थोड़ी तिरछी आ रही हैं, तो एक किरण में ले आता हूँ ये प्रकाशिक केंद्र से, ये तो सीधी चली जाएगी ठीक है, एक और ले आता हूँ इसके समांतर, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें बच्चों समांतर होती हैं, तो समांतर में ले आता हूँ इसके, ये किरण ले आया जिसके समांतर है ठीक है बच्चों, ये दोनों किरणें समांतर हैं, तो ये इतनी फैलेगी कि यहाँ F2 से काटती हुई फोकस तल में, इसके फोकस तल में काटती हुई प्रतीत होगी, ये इतनी इस हिसाब से मुड़ जाएगी, और ये सीधी निकल गई, तो ये किरण और ये किरण आगे चल के फैल रही हैं, पीछे हटाने पर यहाँ काट रही हैं, तो देखें बहुत छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ऐसे भी बना सकते हैं, बात समझ गए, तो F2 पर ही बना, वस्तु से बहुत छोटा, तो जो इमेज बनी कैसी है ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब जो बना वस्तु से बहुत छोटा, सीधा तथा आभासी, और वस्तु की ही ओर, वस्तु की ओर F2 पर, वस्तु की ओर F2 पर बनेगा ठीक है बच्चों। तो एक कंडीशन हमने ये पढ़ ली, अब हम अनंत और प्रकाशिक केंद्र C के बीच में कहीं भी रख दें तो एक सी ही इमेज बनेगी, इसमें डिफरेंट कंडीशंस नहीं आएंगी, तो उसको और पढ़ते हैं, उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब चलते हैं अगली कंडीशन पर, कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच है, जैसे देखें बच्चों ये बनाया मैंने एक अवतल लेंस ठीक, ये मुख्य अक्ष, इसका F1 बच्चों यहाँ होता है, मैंने F1 लिख दिया यहाँ, इधर वस्तु कहीं भी रख दो, जैसे मैंने यहाँ रख दी बच्चों ठीक है, वस्तु ज़्यादा बड़ी ले ली, तो देखें एक किरण प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे आप, सीधी निकल जाएगी, और एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, ये इतना मुड़ेगी बच्चों कि F2 से आती हुई प्रतीत होगी, F2 से आती हुई प्रतीत हो रही है, इतना मुड़ जाएगी ये, तो ये दोनों किरणें देखें आगे चल के डाइवर्ज हो गई, फैल रही हैं, कहीं नहीं काटेंगी, पीछे यहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही हैं C और F2 के बीच में यहाँ,
तो यहाँ सीधा प्रतिबिंब बना। तो देखो बच्चों, इसमें हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, आभासी ही बनेगा और छोटा ही बनेगा, इस केस में भी हमने देख लिया, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड जो होगी, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ टू, एफ टू व सी के बीच बनेगा वस्तु से बहुत छोटा सीधा तथा आभासी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, यहाँ किरण की दिशा जरूर दिखाया करें बच्चों। तो बच्चों, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज के लेक्चर में हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना सीख लिया है। तो इनको बच्चों ढंग से अच्छे तरीके से एक नोट्स बनाइए, बाकायदा इसकी थ्योरी लिखिए, टेबल बनाइए और अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि वस्तु जब जिस पोजीशन में रखी होती है तो किस पोजीशन में उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।